पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, इतनी लंबी क्यों कर रहे हो? पापा मुझे इलेक्शन में खड़ा नहीं होना। हाँ तो मत खड़े हो, बाकी काम कर लो, जैसे स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। तुम्हारे बाप के तो बहुत बिजनेसेस हैं। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे, मुझे ये सब कुछ नहीं करना। ये सब नहीं करना तो फिर क्या करना है? मुझे डॉक्टर बनना है। सुना तुमने? अब इस मुल्क के मिनिस्टर का बेटा नौकरी करेगा? अरे बेटा, हम लोगों में डॉक्टरी कौन पढ़ता है? इनफैक्ट पार्टी सब ज्वाइन करते हैं, और ये जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, ये हमारी जेब में होते हैं। तुम्हारी जेब में कैसे? मेरा मतलब है आपकी जेब में। अरे मुझे तो इसके चलन पहले ही दिख गए थे। वो जो गेम है ना GTA, GTA में भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते थे जनाब, जबकि इसके बाप के लिए तो कभी सिग्नल्स बंद नहीं हुए। अरे बेटा, केमिकल में ही कोई पढ़ाई कर लो, अब हम कब तक ड्रग्स इंपोर्ट करते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें अपनी कंपनी बनानी होगी ना। ये की ना मेरी बीवी वाली बात। बट मामा, केमिकल इंडस्ट्री में ये सब गंदे काम नहीं कर सकते हम। छोड़े ना, जाने दीजिए, बच्चा ये सीख जाएगा। जिन धंधों की वजह से इसकी अय्याशियां चल रही हैं, उसी को गाली दे रहा है साला। बेटा ऐसे अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती है। पक्का ना? जरा ध्यान से देख लो कि सांसें ना चल रही हूँ साले की। जाओ। देखो, तुम्हें तो सब कुछ प्लेट में रखा हुआ मिल रहा है, लेकिन मुझे यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। जैसा कहता जा रहा हूं वैसे करते जाओ। अब ये सारी ठोकने ठुकाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे सपोर्ट करना चाहता हूं, ताकि मैं अपना सारा ध्यान पार्टी मीटिंग्स पर लगा सकूं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। पापा मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि ये आपने अपने शौक के लिए किया था, और अगर मैं गलती से पॉलिटिशियन बन भी गया तो बहुत बुरा पॉलिटिशियन बनूंगा मामा। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। मेरी जान एक बार सोच तो लो। मामा ज़माना बहुत बदल गया है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मैं इन चीज़ों में नहीं फंसा रहना चाहता। अरे मेरी बात सुनो, अपनी जनरेशन के लोग ले आओ ना, और धंधा करने के नए तरीके निकालो। अब वो तुम्हारी कज़न ही है ना सोहा, देखो कितनी अच्छी तरह से चिटकॉइन का स्कैम चला रही है। पापा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं बनना पॉलिटिशियन, आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? बस ये सब तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है। मेरे लाड प्यार ने? पापा, मामा, मैंने अपना फैसला कर लिया है, आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं? अरे जब अपने भाइयों को स्विस बैंक में पैसे डालते और खुद को इनहैंड से ज्यादा टैक्स भरते हुए देखोगे तो कोसोगे खुद को। अरे क्या कहेंगे लोग कि एक मिनिस्टर का बेटा डॉक्टर बनके टैक्स लेने की जगह उल्टा टैक्स दे रहा है। पापा, इन लोगों ने मेरे 18 बर्थडे पर शकीरा से गाना नहीं गवाया था। इन लोगों ने मेरे बोर्ड एग्जाम्स पास करने के लिए प्रिंसिपल को किडनैप नहीं किया था, बल्कि ये सब कुछ आपने किया था। अरे लोग क्या कहेंगे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। क्या 3 इडियट्स चल रही है यहाँ पर? बस कीजिए, 2 थप्पड़ मार के मामले को खत्म करें, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टरी के साथ स्टैंड अप ना शुरू कर दे नालायक। फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। कुछ मत कहो साहबजादे को, वरना स्टेज पर जाके खानदान की इज्जत उतार आएंगे। ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स छोड़ के क्या होगा? मेरी कोई गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस नहीं होगी, या मेरे इर्द गिर्द लोग नहीं घूमेंगे। एक्ट्रेस छोड़ बेटा, डॉक्टरी करके कुंवारा मर जाएगा तू। रहने दो शबनम, अगर इसने फैसला ले ही लिया है तो ठीक है, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, एक मामूली सा डॉक्टर इस फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकता। एक बार सोच लो बेटा, बाद में रिग्रेट होगा तुम्हें। गन्स टेबल पर थी, ड्रग्स हाथ में थे,
एक बार चड्डी में डालकर स्मगल कर लेते ना तो आज जिंदगी कुछ और होती। हो सके तो मामा मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस पॉलिटिक्स की दुनिया के काबिल नहीं हूँ। अभी अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में एक बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह के डॉक्टर ने एक बेहतरीन हार्ट ट्रांसप्लांट का सर अंजाम दिया है। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि उनका नाम अहमद है और वो पाकिस्तान के एक नामवर मिनिस्टर के बेटे हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स की दुनिया छोड़कर डॉक्टरी का पेशा अपनाया और आज वो एक बेहतरीन डॉक्टर बन गए हैं। हम तहे दिल से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। प्लीज मेरे बेटे को वापस बुला दें। हमारे बेटे को